ऑडिट टीम के स्वागत के लिए शिक्षकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ऑडिट टीम के स्वागत के लिए शिक्षा विभाग के लोगों पर सैकड़ों शिक्षकों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। दरअसल बुढ़नपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों के ऑडिट के लिए बगवाड़ा स्थित बीआरसी पर टीम आनी थी। आरोप है कि ऑडिट में सभी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आना था, लेकिन एनपीआरसी कर्मियों ने सभी इंचार्जों से ऑडिट टीम के स्वागत के नाम पर 300 से लेकर 1000 रुपए तक की वसूली की और इंचार्जों की फाइल लेकर उन्हें आने को मना कर दिया। आरोप ये भी है कि जिन शिक्षकों ने पैसे देने से मना किया उनकी फाइलें नहीं जमा की गयी। विभागीय कर्मियों पर सरकारी मास्टरों से अवैध वसूली का आरोप भी खुद एक सरकारी शिक्षक ने ही लगाया है। शिक्षक का आरोप है कि जब उसने पैसे देने से मना किया तो उसकी फाइल ही जमा करने से मना कर दिया गया। सर ये क्या किए जी, और जो हमें नहीं दिए तो हमारे फाइल में जमा नहीं किए गए। तो आपसे 300 रुपए किसने मांगे? आपके सामने कह रहे हैं, ये तो आपके सामने ही बोल रहे हैं। कुछ लोगों की और भी है हमारे पास, वीडियो बनाए हैं तो मुझे दिखाई दो सही। ये तो साक्षात आपके सामने बोल रहे हैं वो, क्या सामने बोल रहे हैं? आपने ये नहीं कहा था कि या तो आप उनसे जमा करवा लेना, नहीं तो मैं ऑडिटर साहब को हमें आने के बाद 3-2 रुपए मुझे दे दो। और मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा चलो ऑडिटर साहब आएंगे, एक आधा आदमी होना चाहिए, पता तो चले कैसे ऑडिट हो रहा है। आपने ये नहीं तो तुमने बात क्या किया सर, तो बस सुनो सही है पर समय आ तुमने फाइल में कब किया हमसे बात जैसे नहीं है फाइल में आप आपने मैं मांगे गए मुझसे जमा 300 रुपए आपको फोन भी करा था, उन्होंने आपसे बताया था कि 300 रुपए मांगे जा रहे हैं, लेकिन आपने फोन कट क्यों कर दिया सर? मैंने क्या कहा तुम नहीं बताओ, मुझे तो पता नहीं, आपने फोन कट क्यों कर दिया? मुझे तो घर में ऐसा है, मुझे जाना था मीटिंग में। अच्छा सर, उनका नाम बता सकते हैं बीआरसी महोदय का? एन पी आर सी महोदय का नाम सुनील कुमार है। आज इस संबंध में मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरा फोन काट दिया। अच्छा, हाँ, ये कहते हुए कि मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, जबकि उनकी देखरेख में ये सब कुछ चल रहा है, उनके ही मिलीभगत के कारण ये चल रहा है। उधर इस मामले को लेकर जब एबीएसए से जानकारी ली गई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया और आरोप लगाने वाले शिक्षक को सामने आकर शिकायत करने की बात कही। सिहारासन नरेंद्र सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारी आज जो है उसमें जो है पूरे 163 विद्यालय हैं, उनका सीआरएट होना था, जिसमें जो है सभी विद्यालयों को तो व्यक्तिगत रूप से नेम लाया गया, हम लोग हेडमास्टर को उनके जो प्रतिनिधि के रूप में जो है उनके जो न्याय पंचायत के जो है संकुल व्यवहारी सीआरसी हैं उनको यहाँ बुलाया गया था। किसी से कोई भी धनराशि की ना डिमांड की गई ना कोई लिया गया। कौन से गाँव से कौन सा स्कूल है ये? स्कूल प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ा, यहाँ बीआरसी कार्यालय। सर ये कुछ कहा गया, कुछ जो प्रधानाचार्य उन्होंने कहा है कि हमसे 1000 रुपए लिए गए हैं कुछ लोगों से, तो सामने आए ना हमारे, तो आपका इसमें क्या कहना है सर? मैम पैसे के लिए हमारा तो यही कहना, कोई एक धंधा से किसी से एक रुपया नहीं लिया गया, संकुल प्रभारी है हमारे, संकुल प्रभारी बैठे हुए।